मम्मी की रेसिपी में आज आपका स्वागत है। आज मैं आपके सामने बहुत ही ज़्यादा टेस्टी टेस्टी और यमी यमी रेसिपी लेके आई हूँ। चॉकलेटी बिस्किट और रबड़ी से हमने बनाकर इसे तैयार करा है। उसमें बहुत ज़्यादा लाजवाब तीन फ्लेवर आपको मिलने वाला है। आप इसे सर्दी गर्मी दोनों टाइम में बना के खा सकते हैं। वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को जरूर लाइक करें। तो चलिए हम रेसिपी शुरू करते हैं। यहाँ पर हमने लिए दो गिलास कांच की। गिलासों के अंदर हम डिज़ाइन बनाएंगे, इसीलिए यहाँ पर मैं ले रही हूँ चॉकलेट सिरप। चॉकलेट सिरप से हम एक एक करके गिलासों के ऊपर अच्छी तरह से डिज़ाइन बना लेंगे। फिर बाद में हम आधे घंटे तक इसको फ्रीजर के अंदर रखेंगे। डिज़ाइन आप यहाँ पे कैसी बना सकते हो, जैसी आपको डिज़ाइन आती है वो आप बना सकते हो। मैंने यहाँ पर दोनों गिलासों पे डिज़ाइन बना ली है। अब इसमें फ्रीजर के अंदर रखूँगी आधे घंटे तक। मैं यहाँ पर बिस्किट ले रही हूँ टाइगर वाले। ये चॉकलेटी बिस्किट है, आप यहाँ पर कैसे भी बिस्किट ले सकते हो। आपको यहाँ चॉकलेटी फ्लेवर बिस्किट लेने हैं। यहाँ पर मैं सारे पैकेट में से, मैंने यहाँ पे चार पैकेट लिए हैं, इनमें से मैं सारे एक एक करके सारे पैकेट में से ये बिस्किट निकाल लूँगी। उनका अच्छा सा हमें फाइन पाउडर बनाकर तैयार करना है। आप यहाँ पे देख सकते हो मैंने एक एक करके सारे बिस्किट निकाल लिए हैं। एक पैकेट के अंदर 9 बिस्किट हैं। टोटली हमारे बिस्किट ये 36 बिस्किट हैं। आपको मार्केट में ये पैकेट 5 रुपये का मिल जाएगा। यहाँ पर मैंने सभी बिस्किट को निकाल लिया है। इसमें मैं एक एक करके मिक्सी के जार के अंदर एक एक तोड़ के इसमें डालूँगी। हमें यहाँ पर अच्छा सा फाइन पाउडर बनाकर तैयार करना है। आप यहाँ पे देख सकते हो मैं अच्छी तरह से बिस्किट के टुकड़े कर लिए हैं और मिक्सी के जार के ढक्कन का बंद कर लिया है। आप यहाँ पे देख सकते हो मैंने यहाँ पे 8 बिस्किट रख लिए हैं। चलिए मिक्सी की तरफ चलते हैं। यहाँ पे देखिए कितनी अच्छी तरह से मैंने यहाँ पे फाइन पाउडर बनाकर तैयार कर लिया है। मिक्सी के जार का ढक्कन मैंने यहाँ पे खोल दिया है। देखिए इस तरह से हमारा पाउडर बन के तैयार होना चाहिए। आप यहाँ पे चम्मच की तरह देख सकते हो किस तरह का हमारा पाउडर बना है। चलिए हम मिस्टी का चूरा सारा एक कटोरी के अंदर निकाल लेते हैं। यहाँ पे मैं 4 चम्मच बिस्किट का चूरा लूँगी इसके अंदर। यहाँ पे मैंने बिस्किट का 4 चम्मच चूरा ले लिया है। जो मैंने 8 बिस्किट बचाए थे वो मैंने कटोरी के अंदर रख लिया है। इन दोनों कटोरी को मैं बाहर रख रही हूँ ट्रे से। इसके अंदर मैं दोनों गिलास फ्रीजर से ले आई हूँ। आधा घंटा हो चुका है, हमें चॉकलेट अच्छी तरह सेट हो चुकी है इसके ऊपर और डिज़ाइन भी बहुत अच्छी लग रही है। यहाँ पर मैंने एक कटोरी रबड़ी बनाई है। दूध को अच्छी तरह से गाढ़ा करके इसमें थोड़े ड्राई फ्रूट डाल दिए हैं। ये रबड़ी हमने घर में बनाकर तैयार करी है। यहाँ पर मैं 1-1 चम्मच गिलासों के अंदर डालूंगी। इसे थोड़ी थोड़ी करके हम 1-1 चम्मच इसके अंदर डालनी है। यहाँ पर डालेंगे हम बिस्किट का जो चूरा हमने बनाकर तैयार करा है। यहाँ पर मैं डाल रही हूँ 2-2 चम्मच बिस्किट का चूरा। फिर से हम डालेंगे रबड़ी के 2-2 चम्मच इसमें डालेंगे गिलास के अंदर। रबड़ी को इसमें डालने के बाद फिर से हम बिस्किट का चूरा डालेंगे इसमें 1-1 चम्मच और। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर 3 बार स्टेप करे हैं, उसी तरह से आपको भी करना है। मैंने यहाँ पर ली है दूध की मलाई फ्रेश वाली। अगर आपके पास अमूल क्रीम नहीं है तो आप फ्रेश क्रीम भी ले सकते हैं। इस क्रीम के अंदर डालूंगी मैं स्ट्रॉबेरी। स्ट्रॉबेरी यहाँ पे मेरे पास पाउडर रखा है, वो मैं यहाँ पे 1 चम्मच घोल के इस क्रीम के अंदर ऐड कर रही हूँ। अच्छी तरह से आपको मिक्स करना है। अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद इसमें अच्छा सा फ्लेवर आएगा। अगर आपके पास नहीं है तो आप स्किप भी कर सकते हैं। अगर आप कोई और फ्लेवर डालना चाहते हैं वो भी आप इसमें डाल सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो मैं गिलासों के अंदर डाल रही हूँ, इसी तरह से आपको भी डालना है। थोड़ा थोड़ा करके आपको गिलासों को पूरे ऊपर तक फुल भरना है। बहुत ज़्यादा टेस्टी और यमी बनाने के लिए इसके ऊपर मैं थोड़ा बिस्किट के चूरे से गार्निशिंग कर रही हूँ। थोड़ा थोड़ा करके दोनों गिलासों के ऊपर डाल दूंगी। इसके ऊपर लगा रही हूँ 1-1 बिस्किट। बिस्किट के ऊपर लगा रही हूँ स्ट्रॉबेरी के 2 टुकड़े करके, जिससे हमारी देखने में बहुत सुंदर लगेगा और खाने में पीने में बहुत टेस्टी लगेगा। चॉकलेट वाले बिस्किट और रबड़ी और स्ट्रॉबेरी के फ्लेवर से हमने 3 फ्लेवर देकर इसमें आइसक्रीम को तैयार करा है। खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी है। ठंडियों के दिनों में आप ऐसे बनाकर भी खा सकते हो। अगर गर्मियों के दिन है आप इसे फ्रीजर में रखिए और आधे घंटे सेट होने दीजिए, फिर बाद में इसको बाहर निकाल के खाइए ठंडा ठंडा, तो बहुत ज़्यादा टेस्टी लगेगा। खाने और पीने में बहुत ज़्यादा टेस्टी है। आप भी इस रेसिपी को घर पे जरूर ट्राई करना। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो वीडियो को जरूर लाइक करना। थैंक यू।